नमस्कार दोस्तों, इस साल की शुरुआत में ही दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो लॉस वेगस में किया गया, जिसमें दुनिया की काफी सारी नामी गिरामी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के द्वारा अपने फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट को शोकेस और लॉन्च किया गया। इस साल की शुरुआत में लॉस वेगस में हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में शेवरले के द्वारा अपने पहले इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक को शोकेस किया गया। इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक को एक बार फुल चार्ज करने पर 664 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। शेवरले अपने इस इलेक्ट्रिक ट्रक के साथ टेस्ला की तरफ से आने वाले साइबर ट्रक और फोर्ड की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रिक ट्रक F-150 के साथ कंपीट करना चाहती है। शेवरले के द्वारा इस इलेक्ट्रिक ट्रक में 664 हाउस पावर की ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो 780 पाउंड का टॉर्क पैदा कर सकती है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से इस इलेक्ट्रिक ट्रक में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसको 350 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर्स के साथ केवल 10 मिनट चार्ज करके ही 100 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। पली की तरफ से दिखाए गए इस इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक को इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। शेवरले के द्वारा अपने इस इलेक्ट्रिक ट्रक की डिलीवरी को अगले साल के सेकंड हाफ में शुरू कर दिया जाएगा। द्वारा अपने इस इलेक्ट्रिक ट्रक के दो वेरिएंट को पेश किया जाएगा, जिसमें से एक नॉर्मल एडिशन होगा, जबकि दूसरे ट्रक को फ्लीट ओरिएंटेड यूजर के लिए लॉन्च किया जाएगा। इस दोनों वेरिएंट में लगाई जाने वाली लिथियम आयन बैटरी को एक बार फुल चार्ज करने पर 600 किलोमीटर से ज्यादा चलाया जा सकेगा। कंपनी के अनुसार इस ट्रक में लगाई गई इलेक्ट्रिक मोटर इस ट्रक को 0 से लेकर 96 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड लेने में केवल 4.5 सेकंड का समय लेगी।